और हमने साफ कहे छे कि तीन आदमी का यहाँ तीन क्षेत्रीय दलों की यहाँ चली रहा छो प्रचार प्रसार तीनों के तो यार जाने छो जो सबसे अच्छा हमें है वो तो हमरा वोट दियो और जो हमरा से अच्छा कोई छे तो हुनके वोट दियो। अपना इलाका के लोग कहे छे कि 15 साल एक पार्टी के देख लो फनु 15 साल एक पार्टी लीडर के देख लो। एक बार रामविलासो पार्टी के दलित के नेता के उम्मीदवार हमे छो सुरेश भगत चल इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव मैदान में मैं पहली बार भी उतरा था तो भाजपा के कुछ प्रदेश नेतृत्व ने गुटबाजी के नीति में हमको चुनाव से बाहर किया। मैं उनके जवाब में उतरा था और जवाब जनता ने दिया। वर्तमान चुनाव मैं लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहा हूं और चिराग पासवान जी ने मुझ पर भरोसा करके टिकट दिया है इस उम्मीद पर कि गोपालपुर की जनता पार्टी और मेरे नाम पर सुनिश्चित जीत कराएगी। सुनिश्चित जीत कराने के पीछे मुख्य कारण है मैं 20-22 साल मुखिया रहा हूं जमुनिया पंचायत का। जिस समय ब्लॉक में प्रखंड में आवंटन का बहुत कमी रहता था उस परिस्थिति में मैं जिला में अपनी लड़ाई लड़कर अपने पंचायत में आज से 30 बरस पहले उस समय मुख्यमंत्री माननीय लालू जी हुआ करते थे मैं उस समय अपने पंचायत में पंचायत भवन सामुदायिक भवन स्वास्थ्य उपकेंद्र और पुस्तकालय जैसे भवन मध्य विद्यालय जैसे भवन मैंने बनवाने का काम किया। सभी सड़कें मैंने ईटा सोलिंग कर दी कई पुलिया बनवाया कलवलिया धार जैसे मरंग नदी में मैंने बांध बनवाकर लोगों को रास्ता दिया। तो ये संघर्ष का परिणाम था। इसमें किसी विधायक सांसद से मैंने एक रुपया का सहयोग नहीं पाया क्योंकि मैं उस समय जनसंघ भाजपा से बिलोंग करता था और यहाँ माननीय मंत्री मदन बाबू कांग्रेस के हुआ करते थे तो मुझे कुछ मिलने का गुंजाइश नहीं था। आपने एनडीए से टिकट लेने का प्रयास किया? एनडीए से जहां तक टिकट लेने का सवाल है मैं स्वभाव से मुखर हूं और पार्टी में मुखर बोलने वाले को जगह नहीं मिलती है उचित बोलने वाले को जगह नहीं मिलती है। नेता को लगता है कि मैं दिन को रात कहा इन्होंने नहीं माना इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि मुझे भाजपा से टिकट मिलता। इस बार किन मुद्दे गोपालपुर का विकास इसके साथ साथ नौगछिया को संपूर्ण जिला बनाने का मैं संघर्ष करूंगा। धोलबज्जा को प्रखंड बनाने का मैं संघर्ष करूंगा। मदरौनी सहोरा में कोसी नदी में पुनः पीपा पुल को ले जाके फैलावे मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में केला और मकई पर आधारित कुटीर उद्योग लगे जिससे हमारे इलाके के युवा बेरोजगार मजदूर और बिजनेसमैन को एक नया रोजगार का रास्ता खुले। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है? 100% हम कह सकते हैं। तो फिर तो यहाँ तो एनडीए और लोजपा दोनों सीट हैं गोपालपुर विधानसभा में। एनडीए सब जगह है जी, रूप अलग अलग है जी। जहाँ भाजपा लड़ रही है जी वहाँ लोजपा नहीं लड़ती है मात्र 5 सीट छोड़कर। स्थिति साफ है इसमें पूछने का कहाँ गुंजाइश है। इस बार जो एनडीए के यहाँ प्रत्याशी है इसका मतलब भाजपा वोटर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे? जहाँ तक एनडीए प्रत्याशी को भाजपा वोटर का सवाल है
तो मैं जवाब उनका देने में सक्षम नहीं हूं, और वोट यहां कहीं बाहर से नहीं आएगा, वही वोट आएगा। मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता का पूर्ण समर्थन हमको प्राप्त है। जो लगातार तीन बार से विधायक, उन्हें छोड़कर वोट आपको करेंगे लोग भाजपा को? भाजपा का वोट 90-95% मेरे साथ है। भाजपा का बेस वोट, कैडर वोट वैश्य कहलाता है, 100% मेरे साथ है। उसके अनुसांगिक लोग पिछले 40 बरस के मेरे कार्य के सानिध्यता के चलते मेरे साथ है। अपील करता हूं कि 15 साल आपने राजद को देखा, 15 साल आपने एनडीए गठबंधन में जदयू को देखा, एक बार दीजिए हमको मौका, मैं परिवर्तन ला दूंगा और कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं भी उसी तरह हुआ तो जिंदगी में दोबारे मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अपना इलाका के लोग कहे छे कि 15 साल एक पार्टी के देख लो, 15 साल एक पार्टी लीडर के देख लो, एक बार रामविलास पार्टी के दलित के नेता के उम्मीदवार हमें छो सुरेश भगत, 40 बरस तक आपके साथ रह के हमें तोरो बाढ़ में, सुखाड़ में, अगलगी में, महामारी में, अभी COVID-19 में आपके लिए मदद किया, जिस COVID-19 में मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, मेरे पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। तो हम मैं कहे छे जकरो खेत जोतते मजदूरी तो ओकरे ने देते, किसान खेत जोतबे वो हमरा से, हम मजदूरी दे देबो दूसरा के, ऐसा इस बात हमरा इलाका के लोग नहीं करते। एक चौकाने वाला अब रिजल्ट यहां करो जनता देते, ये हमरा पूर्ण विश्वास है। दिल खोली के बात करे छे, और हमें साफ कहे छे कि 3 आदमी का यहां, 3 क्षेत्रीय दलों की यहां चली रहल छो प्रचार प्रसार, तीनों को तो यार जाने छो, जो सबसे अच्छा हमें है वो हमरा वोट दियो, जो हमारा से अच्छा कोई छे तो हूं कई वोट।